हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ आयुष गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2022 के लिए। काफ़ी सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि गेट 2022 की वीडियो सीरीज़ के लिए वेट करते रहते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि उस वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन आज की वीडियो उसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी दिन बचे हैं उनमें आप अपनी गेट की तैयारी को कैसे एक्सेल कर सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं और उन दिनों का अच्छे से अच्छे उपयोग कैसे कर सकते हैं। उपयोग थोड़ा सा वैसा वर्ड हो गया, बेसिकली मैं यूज़फुल बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो आप उन लोगों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यार देखो, सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है कि आज है 1 जुलाई और आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 महीने रह जाते हैं बिल्कुल ठीक फेब्रवरी आने तक। अब फेब्रवरी में 1 फेब को तो नहीं हो जाएगा एग्ज़ाम, फेब्रवरी के कुछ दिन भी हैं ऑब्वियसली आप पर, लेकिन वो आप अगर रिवीजन करने में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आप यही मान के चलें कि आपके 7 महीने ही बचे हैं। अब उन 7 महीने को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप एक एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हो तो भी 5 मंथ्स आपके लिए सफिशिएंट है गेट को क्रैक करने के लिए और अच्छी रैंक लाने के लिए, ठीक है। वरना क्रैक करने वाले तो 3-3 महीने में भी क्रैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मेरे पास है पूरा का पूरा आपके 5 मंथ्स का प्लान, 150 दिन का प्लान है। आपको कैसे कैसे करना है वो मैं आज आपको बता दूंगा। और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी यही खोज रहे हैं कि हमको किस मटेरियल से पढ़ना चाहिए, किस गेट के कोर्स से पढ़ना चाहिए या फिर किस बुक को फॉलो करना चाहिए। तो यार अब बस हो गया, वो टाइम चला गया। अगर आज से भी स्टार्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रहने लगोगे। अगर बिल्कुल ज़ीरो हो और आज से स्टार्ट करते हो तो आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, तो आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। लेकिन अगर आज छोड़ दिया तो यार मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें मुश्किल होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप देख लो आपको कैसे करना है। वेल, अभी हमारे पास 7 महीने हैं और 5 मंथ का प्लान मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद 2 महीने फिर भी बचेंगे, उसमें आप रिवीजन करना है रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज देनी है टेस्ट सीरीज दो, जैसे करना है कि वैसे करो। 5 मंथ का जो प्लान है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा अगर आप एक एक दिन भी फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो चलते हैं हम यार उसी प्लान के तरफ जल्दी से और देख लेते हैं क्या है वो। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक टाइम टेबल खुला हुआ है जो कि डे 1 से लेकर, अगर मैं आपको बता दूं तो डे 150 तक है। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट कराया जा रहा है, वो आपको कम से कम 16 दिन तो देने पड़ेंगे उसके लिए कम से कम। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जो भी टॉपिक हम लोग एक दिन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट डे उसका रिवीजन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा पूरा डे 150 तक चलेगा, जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसके नेक्स्ट दिन ही उसका रिवीजन भी करेंगे। ऐसे करते करते हमें डे 150 तक जाना है और 150 तक आपका गेट का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो गेट CSE के लिए है, अगर आप किसी और ब्रांच से हो तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो PDF में। और आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने कवर किया है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद एल्गोरिथम, उसके बाद कवर किया है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, उसके बाद हम जाते हैं कंपाइलर डिज़ाइन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और उसके बाद हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लिया है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है 13-15 मार्क्स का। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड का क्या है ना यार, इंजीनियर्स का वैसे ही थोड़ा सा अच्छा रहता है और गेट में थोड़ा सा लो लेवल ऑफ जनरल एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है, तो उसके पीछे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका सिलेबस भी गेट में एकदम से क्लियर नहीं दे रखा है इन लोगों ने कि क्या ये देंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जल्दी हो जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट 150 डेज़ का शेड्यूल आपको मिल चुका है। नेक्स्ट 150 डेज़ ऐसा कर दो यार कि मतलब जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वाली PDF को फोड़ के रख दो और आपकी गेट में अच्छी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी रिलेटेड डाउट हो गेट की प्रिपरेशन से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई मटेरियल वगैरह कुछ किसी की भी ज़रूरत हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मांग लेना अगर किसी के पास हो। फ्री रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, कॉपीराइटेड तो मुश्किल ही मिलेंगी, तो देख लेना यार आपको जैसे भी करना है। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।